नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका सीधी बात में। और आज मेरे साथ मौजूद हैं खास मेहमान अरुण राजभर जी, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं सुभाषपा के। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सीधी बात में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। 2024 बेहद नजदीक है, क्योंकि सवाल मेरा इसी से जुड़ा होगा, इसलिए सबसे पहले 2024 का ही जिक्र कर रही हूँ। जब 2019 में सुभाषपा बीजेपी के साथ मिलकर लड़ती है, 2022 में सपा के साथ चली जाती है, लेकिन 2024 से पहले फिर बीजेपी में वापसी, क्यों? राजनीति में परिस्थितियां और राजनीति में संभावनाएं बनती बिगड़ती रहती है। राजनीति में कोई अस्थाई न दोस्त होता है न अस्थाई दुश्मन होता है। परिस्थितियां लोगों को एकजुट कर देती है। समय की मांग होती है, जनता की डिमांड होती है और कार्यकर्ताओं की एक राय होती है। और जब कार्यकर्ताओं और जनता की राय जब बन जाती है तो किसी भी दल से अलायंस करना होता है तो उससे रास्ते बन जाते हैं। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने मूल लड़ाई पर लड़ती है, चाहे वो गरीबों के न्याय के लिए हो, वंचितों के सशक्तिकरण का हो और पिछड़ों के हिस्सेदारी की लड़ाई हो, और बराबर हम उसकी लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए संघर्ष करते हैं। जमीन पर हम लोग संघर्ष करते रहते हैं तो जो परिणाम जनता की तरफ से ये सकारात्मक आते हैं, उस सकारात्मक परिस्थिति को देखते हुए हम लोग फैसला करते हैं कि हम लोगों को गठबंधन किसके साथ करना चाहिए। गठबंधन ही नहीं होता है, देखिए जब दोनों विचारों का मेल हो जाता है और जब आपकी लड़ाई और सामने वाले दूसरे दल की लड़ाई एक दिखने लगती है तो वो रास्ते बन जाते हैं। जैसे हमारे समाज की बहुत सारी समस्याएं हैं, थाने पर नहीं सुनवाई हो रही है, हम सत्ता से बाहर रहेंगे, हमारी कोई सुन नहीं सकता है। ब्लॉक पर है, न्याय दिलाना है, किसी को आवास दिलाना है, वहां तोड़ते रह जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन सत्ता के करीब जाकर के हम समाज को कुछ दे सकते हैं और समाज को न्याय दिला सकते हैं। उसी दिशा में जब गठबंधन हो जाते हैं तो दोनों दलों के लोग एकजुट होकर के आगामी रणनीति बनाते हैं। अब जैसे हम 2017 में बीजेपी के साथ थे तो हम 2017 में बीजेपी को मजबूत किए थे। आप उठा कर देखिए, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, बस्ती, चंदौली, तमाम देवरिया, कुशीनगर, इधर के जितने पूर्वांचल के जिले हैं उनमें विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिली थी, बड़ी संख्या बढ़त मिली थी। ठीक है। और वही 2019 के लोकसभा चुनाव में देखिए बहुत कम वोट से बीजेपी हार गई थी। हाँ अरुण जी, सुनिएगा। ठीक है, बीजेपी को बढ़त मिली, उसके बाद जब हम विधानसभा चुनाव हमने लड़ा साथ में, तो कहीं ना कहीं ये कहना है सुभाषपा का कि सपा को इससे फायदा मिला है, हमारे वोट कटे हैं, हमारा वोट शेयर कम हुआ है, ये आरोप लगातार लगते रहे हैं। इसी वजह से अब 2024 से पहले 2023 में वापस बीजेपी के साथ आप जा रहे हैं, जनता कैसे विश्वास करे? जनता का भरोसा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पर है, जनता का भरोसा अटूट है कि नहीं, हम जनता के हित में फैसला ले रहे हैं, हम जनता के ही लिए काम हो रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि हम जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम उनके सुख में खड़े हैं, उनके दुख में खड़े हैं, उनके साथ कहीं भी अन्याय हो रहा है हम लड़ रहे हैं उनके लिए। और समाज की जो समस्या है उसका समाधान सत्ता के करीब जाकर ही किया जा सकता है। अब जैसे हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था राज्य सरकार को कि भर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए, तो उसमें नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में उनको अच्छे लाभ मिलेंगे और कम पैसे में उनकी पढ़ाई होगी तो आगे भविष्य उनका बन पाएगा। तो अब उस दिशा में अगर सरकार पहल कर रही है, उस दिशा में सरकार काम कर रही है, तो सरकार अगर काम कर रही है और हमारा वो समस्या निदान कर रही है तो उसमें समाज का ही तो लाभ है। और समाज के लाभ को लेकर के पहली बार मैंने देखा है कि देश के राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर के आदर्श को किसी ने, एनडीए की घटक दलों की जब बैठक हो रही थी उसमें महाराजा सुहेलदेव राजभर के विचारों को माननीय प्रकाश राजभर ने रखा, उनकी उनके लोगों की जो समस्या थी उन चीजों को रखा। तो कहीं ना कहीं जब रास्ते बन जाते हैं तो उन रास्तों पर व्यक्ति चलने के लिए अपने आप लालायित हो जाता है और हम उन्हीं दिशा में काम कर रहे हैं आने वाले कुछ समय में। कितना विश्वास है कि बीजेपी दलितों और पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रही है? क्या विश्वास है कि आने वाले समय में इनके लिए बहुत बेहतरीन काम होगा? वो विश्वास आप अखिलेश यादव पर या मायावती जी पर नहीं करा पा रहे हैं? देखिए, ये दोनों लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इनको जनता ने, पिछड़ों ने भी मौका दिया, दलितों ने भी मौका दिया, अल्पसंख्यकों ने मौका दिया, आदिवासियों ने मौका दिया, हर वर्ग के लोगों ने मौका दिया। लेकिन जो काम करना चाहिए, आज बताइए कि 75 साल की आजादी गुजर जाने के बाद भी 27% आरक्षण पिछड़ों को मिलता है, लेकिन तमाम उसमें अति पिछड़े वर्ग हैं आज भी उस आरक्षण से वंचित क्यों है? आखिर सरकार इन लोगों ने बनवाई तो इनको लाभ क्यों नहीं पहुंचाया गया? इनको नौकरियों में हिस्सेदारी क्यों नहीं दी गई? उनको शिक्षण संस्थानों में पढ़ने की लिए सस्ते रेट में क्यों नहीं दिया गया इजाजत?
तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी थी, सरकार की मंशा नहीं थी, सरकार की योजना उनके लिए नहीं थी। और वो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब चल रही है। अब देखिए रोहिणी कमीशन के रिपोर्ट का कल माननीय महापहिम राष्ट्रपति महोदय सौंपा गया। तो कहीं ना कहीं 6 साल के संघर्षों के बाद अगर जो रिपोर्ट जिन वर्गों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं उन वर्गों के हालात को देखते हुए, उनकी समस्याओं को देखते हुए अगर रिपोर्ट रोहिणी आयोग ने सौंपा है तो कहीं ना कहीं ये सार्थक तो पहल हमारे ये संघर्षों का है। और वहीं उत्तर प्रदेश में इन दोनों दलों को बड़े लंबे समय तक मौका मिला। थाने पर देखा जाए तो एक जाति विशेष की भागीदारी, ब्लॉक पर देखा जाए तो एक जाति विशेष। तो ये जाति विशेष की राजनीति करने वाले लोग तमाम उन जातियों को भूल जाते हैं, लेकिन जब सत्ता में रहते हैं तो भूलते हैं, जब सत्ता से बाहर आते हैं तो याद आता है। इसीलिए तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी संघर्ष कर रही है कि हम सभी वर्गों को भागीदारी दिलाने की बात कर रहे हैं, हम सबको सम्मान देने की बात कर रहे हैं, सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस वक्त ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश पर आते हैं, उत्तर प्रदेश पर ही बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसको लेकर, जो यहाँ पर एनकाउंटर नीति है उसको लेकर, बुलडोजर नीति को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। ये जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त हो रहा है इसको लेकर क्या कहता है पूरा? देखिए पहले की सरकारों में क्या होता था कि अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था और अपराधी मनोबल उनका बढ़ता था। अब के क्या है कि अपराधियों में दहशत हो गया है और अपराधी जेल की सलाखों में जाने चला गया है तो बाहर निकलने से डर रहा है। आप 6 साल के कार्यकाल को उठाकर देखिएगा, 6 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। तो 2000, लेकिन पहले की सरकारों में क्या होता था 2022 में? क्या ये सुभाषपा को याद नहीं आया था कि ये वही पार्टी है जिसके साथ हम गठबंधन कर रहे हैं, जिसमें जो अपराधी है, जैसे कि अभी आपने कहा कि हम संरक्षण मिलता था, क्या 2022 में वो नहीं याद रहा या कोई और वजह? देखिए 2022 में हम नया नारा लेकर के आए थे, जिस गठबंधन में गए थे उन्होंने नया नारा दिया था कि ये नई सपा है, नई हवा। तो हमको लगा कि वो चीज खत्म हो गया जो पहले जो लोग कहते थे कि नहीं ये गुंडों की पार्टी, अपराधियों की पार्टी, ये है वो है। लेकिन जब हम अंदर जा करके उनके साथ काम किए तो उनके लोगों में बड़ी दहशत है, उनके लोगों में इतनी गुंडागर्दी है, उनकी लोगों की भाषा ऐसी है कि उनके साथ कोई भी चलने को तैयार नहीं हो सकता। मजबूरी थी हमारी, हमने गठबंधन कर लिया था और हमारी उस समय जनता की जरूरत थी कि नहीं हमको इनके साथ काम करना चाहिए मिलकर के। हाँ भाई नई परिवर्तन लेकर आए हैं तो नए परिवर्तन में सबको चलना चाहिए, हम लोग नए परिवर्तन के साथ गए थे। हाँ जरूरत वहां यह थी कि भाई पिछड़ों के लिए हमने वहां कहा था कि इस बार भागीदारी दी थी, लेकिन उन्होंने अति पिछड़ों को टिकट नहीं दिया, उनको जिनको अपने साथ लिया तो उनको पूरी तरीके से ओपन फ्रंट पर नहीं रखा, सिर्फ वन मैन बनकर काम किया। नतीजा देखिए कि हाँ हमारे जाने से उनको फायदा भी हुआ, 32% वोट गिनाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि उस 32% में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का भी वोट है। तो अब वो जिन ताकत से 2017 में लड़े थे 47 सीट पर थे, 2022 में वो सीट 111 पहुंची, 125 पहुंची, तो वो कहीं ना कहीं हमारी ताकत के दम पर भी तो पहुंची है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये उस समय की मांग थी, उस मांग के आधार पर राजनीतिक फैसले लिए गए थे। लेकिन हाँ ये सच है, हकीकत हमें बार बार कहते थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इन बातों को विश्वास नहीं करती है कि हम उस समय तारीफ योगी जी की भी करते थे, हम उस समय तारीफ बहन जी का भी करते थे। हम उस पार्टी के साथ है जो कि हर विचारधारा के साथ आगे बढ़ती है, हर किसी के साथ आगे बढ़ती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ती है। तो इस वक्त सुभाषपा का क्या एजेंडा है 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश में, कैसे आगे बढ़ा जाए कि जनता विश्वास करे, जनता ये सोचे कि हाँ सुभाषपा है हमारे लिए काम कर रही है, क्या काम कर रही है, क्या एजेंडा है? जनता के बीच में हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक, हमारे वोटर ये बात जान गए हैं कि जनता के हित में, जनता के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ाई लड़ रहे हैं और उस लड़ाई में हर वर्ग साथ दे रहा है। आप देखिएगा कि जिस दिन हम अक्टूबर महीने में एक रैली करने जा रहे हैं आजमगढ़ की धरती पर, जिनको घमंड है कि नहीं अब आजमगढ़ में अब हमारा ही जलवा रहेगा, तो अब उनका जलवा आजमगढ़ से समाप्त कर दिया गया है और आगे भी कर किया जाएगा। हम लोग वहां 5 से 10 लाख की भीड़ इकट्ठा करने की टारगेट रखे हैं कि 5 लाख लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और वहीं से यह संदेश दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में अब लड़ाई किसी से नहीं है। हाँ सच ये भी है कि विपक्ष के पास कोई योजना नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, बस उनको है मोदी जी को हराना, योगी जी को हराना, उनके विचार में कोई और नहीं। हाँ हम लोग जब कार्यक्रम कर लेंगे
तो उसी दिन ये पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी एनडीए गठबंधन 80 लोकसभा सीट पर जीत का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रही है। अभी लड़ाई से बाहर हो गई। एनडीआईए सपा भी इसमें शामिल है, उत्तर प्रदेश में अच्छा दम रखती है समाजवादी पार्टी, तो इंडिया के आगे जो एनडीए है उत्तर प्रदेश में कितना टिक पाएगा? देखिए क्या है ना, नाम बदल लेने से चरित्र नहीं बदल जाते। आप यूपीए थे तो यूपीए से ही INDIA बनाए है, तो INDIA ये इंडियन मुजाहिदीन संगठन, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये इंडिया वो नहीं है जो 140 करोड़ से बना है। ये मजबूरी में रखा गया नाम है और ये मान रहे हैं कि हम इंडिया रख लेने से इनके काले चेहरे छिप नहीं सकते हैं। आप इंडिया में जितने लोग हैं आप देखिए, कोई ईडी से गिरफ्त में है, कोई सीबीआई के गिरफ्त में है, तो कोई इनकम टैक्स के गिरफ्त में है, और कोई भ्रष्टाचार की गिरफ्त में, कोई अगर पाक साफ हो उसमें तो बता दीजिए। जो कल तक कहते थे कि नहीं हम भ्रष्टाचार खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आज वो भी पार्टी भ्रष्टाचार के जाल में बच गई। अब भ्रष्टाचार का जाल में बच करके इतनी बड़ी संख्या में ये लोग लामबंद हो चुके हैं कि हमारा जान बचे किसी तरह। तो सोचिए कि जो लोग पहले से करप्ट हैं, क्या इस देश की जनता ये नहीं देखी 70 साल तक कांग्रेस सरकार बना करके, या जो विपक्षी दल इकट्ठा हुए हैं उनकी सरकार बना करके, सबसे ज्यादा घोटाला हुआ है, सबसे ज्यादा लूट हुई है, सबसे ज्यादा अपराध हुआ है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, क्या ये जनता भूल गई है? आज इस सरकार 7 साल की सरकार यहाँ है, केंद्र की सरकार 9 साल से चल रही है, आप देखिए कि एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो तो बताइए, करप्शन का एक भी आरोप लगा हो तो बताइए। लेकिन अब तक कांग्रेस की सरकार में, अन्य दलों की सरकार में इतने करते हैं, उत्तर प्रदेश में रिवर फ्रंट घोटाला तो है, घोटाला फलाना घोटाला चिपकाल घोटाला। विपक्ष कहता है कि हमारी सत्ता एक बार आ जाए फिर सारे खुलासे हो जाएंगे। जो अभी राग अलापते हैं कि सब भ्रष्टाचारी हैं INDIA में, वो उनके सबके पर्दे फाश हो जाएंगे। अरुण राजभर जी, एक बयान सामने आया था जिस बयान ने 2 से 3 दिन हो गए हैं कि यूपी के राजनीति में एक अलग ही जो तूफान है वो ला दिया था, और शायद पूरे देश में। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक बयान देते हैं कि ज्ञानवापी को मंदिर ही कहिए और जो भूल है उसे सुधार लीजिए। ज्ञान वापी को लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था, जिसके बाद विपक्ष लगातार घेरता रहा कि आप कोर्ट का निर्णय आने से पहले कैसे कह सकते हैं कि आप इंतजार मत करिए, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसको मंदिर बोलिए और जो भूल है उसको सुधारिए। नाम में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है, हम उसमें नहीं, ज्ञान की वापी, उसको ज्ञान वापी क्यों कहा गया? और ज्ञान वापी में जो लोग दावा कर रहे हैं कि नहीं ये मेरा है, तो दावा तो ये लोग भगवान राम के मंदिर पर भी कर रहे थे। लेकिन 550 साल तक जिन लोगों ने शहादत दिया, जिन लोगों ने शहीद हुए, जिन लोग जेल के सलाखों गए, जिन लोगों पर लाठियां बरसी, लेकिन न्याय तो मिला ना, माननीय न्यायालय द्वारा न्याय मिला और सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया कि नहीं वहां रामलला के मंदिर बनेंगे और रामलला के लिए वो जगह स्थापित होगी और वहां भव्य निर्माण होगा, निर्माण हो रहा है। जिन लोगों लोग दावा कर रहे थे उनके दावे हवा निकल गए, सच्चाई सामने आ गई। तो बनारस में जिस तरह से ये लोग दावा कर रहे हैं, सही बात है कि हमारे इमारतें जो होती हैं उनके अंदर जब सच्चाइयां उभर कर आती हैं, त्रिशूल की आती हैं, और हमारे जो चित्रकार कला है और हमारे जो देवी देवताओं की तस्वीरें नजर आती हैं, तो फिर ये चीजें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जबरदस्ती कोई मंदिर बना ले, कोई मस्जिद बना ले और उसे कहे कि नहीं मेरा है, तो इतिहास नहीं भुलाया जा सकता। एक संदेश था या आदेश था, क्या माने हम इसे? देखिए वहां तो ये तो सच है कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में है और वो हिंदुओं का एक बहुत बड़ा पवित्र स्थल है। उस पर जबरदस्ती कोई अगर दावा करेगा तो उनके दावे हवा हो जाएंगे, न्यायालय उस पर फैसला करेगा और न्यायालय हिंदुओं के पक्ष में करेगा, ये मुझे भरोसा है। क्योंकि जब सच्चाई पर न्यायालय फैसला करता है, तथ्यों पर करता है, तर्कों पर करता है, हवा में फैसले नहीं होते हैं, और वो मुझे उम्मीद है कि वो हमारे पक्ष में आएगा और वहां जो हिंदुओं की आस्था है उन आस्थाओं के साथ वहां लोगों को। एनडीए लगातार कहता है कि हम सबके साथ चलते हैं, हम एक हर एक वर्ग तक पहुंचते हैं, हम एक गरीब तक पहुंचते हैं, हम एक व्यक्ति तक पहुंचते हैं, हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं जहां तक विकास नहीं पहुंचा, लेकिन एनडीए की सरकार में उस व्यक्ति तक भी विकास पहुंचा है। लेकिन एक आरोप लगातार लगता रहा है कि जो एनडीए है, यानी कि जो बीजेपी है, बीजेपी को मेन मैं कह रही हूँ कि वो सिर्फ हिंदुओं वर्ग विशेष को लेकर सिर्फ राजनीति करता है
और जानबूझ के चीजें बयानबाजी हो रही है ताकि देश में धार्मिक उन्माद को बढ़ावा मिले और जिस तरह से अभी नूह में हुआ है। देखिए विपक्ष क्या कहेगा, विपक्ष खाली ये विरोध करता है, विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन लंबे समय तक इनको सत्ता मिली थी, देश की जनता को घर से बाहर लोटा लेकर के जाने को मजबूर किया था, लेकिन यही माने प्रधानमंत्री जी ने उनके घर के बगल में शौचालय दिया कि नहीं आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर के दूर जाने की जरूरत नहीं, आप लोटा लेके नहीं जा सकते। लेकिन आज परिवर्तन हुआ, बहुत सारे लोग गरीब थे जिनको आवास नहीं मिल रहा था, क्या हो रहा था, लूट हो रही थी, भ्रष्टाचार हो रहा था, करप्शन कर रहे थे, आज लाखों लोगों को आवास मिल रहा है, जिन लोगों को सम्मान निधि नहीं मिल रही थी किसानों को आज सम्मान निधि मिल रहे हैं, जिन गरीबों को इलाज नहीं हो पाते थे 5 लाख के नाम इलाज हो रहे हैं। तो क्या ये काम नहीं है, ये काम जमीन पर जा रहा है, इसीलिए विपक्ष को जनता वोट नहीं दे रही है। अगर जनता में इनका इतना ही भरोसा होता विपक्षियों का तो 2014 में भी बुरी तरह हारे थे, 2017 में भी बुरी तरह हारे थे, 2019 में बुरी तरह हारे थे और 2022 भी बुरी तरह हार गए, और 2024 में तो ये सफा हो जाएंगे, ये तो जान रहे हैं ना कि इनके पास कोई, देखिए जनता इनके साथ नहीं है, भले बड़बड़ बोले हैं, बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन जनता एकदम मन बना चुकी है कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और माननीय विकास राजभर जी के साथ हम लोग मिल करके काम करेंगे, और 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखने चाहती है जनता, देख उसी दिशा में वो काम कर रही है। 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हम जीतने जा रहे हैं, ये सब झूठे टेपे कर रहे हैं, इनको वोट तो नहीं मिलेगा, जनता वोट नहीं देना चाहती है, वो जान रही है कि इनको वोट देंगे तो फिर मेरी जमीन कब्जा हो जाएगी। जमीनों पर सबसे ज्यादा अवैध कब्जा किसने किया था, एक जाति विशेष के वर्गों ने किया था, आज भी उनसे छुटकारा दिलाने का हमारी सरकार कर रही है। तो कहीं ना कहीं गरीबों के साथ इंसाफ हो रहा है, न्याय हो रहा है, और न्याय के दिशा में जब समाज बढ़ता है तो उसको ये सही सच और गलत का फैसला करने के लिए वो तय कर लेता है। ठीक है, हर मुद्दे पर मेरे हर सवाल का जवाब आपके पास है। मणिपुर पर और हरियाणा पर क्या कहेंगे, अरुण राजभर जी किस तरह से देख रहे हैं मणिपुर में जो हिंसात्मक तस्वीरें नजर आई, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हुआ, अभी जो हरियाणा में हो रहा है, इस पर क्यों नहीं कोई कुछ बोल रहा है, एनडीए या बीजेपी क्यों नहीं बोल रही, क्यों चुप है? मणिपुर की जो घटना है वो बहुत ही निंदनीय घटना है, यह सभ्य समाज में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज में सबको सम्मान से रहने का और सबके साथ न्याय का अधिकार है, लेकिन अब अगर वहाँ जिन शरारती तत्वों ने या जिन लोगों ने इस तरह की दो समूहों के बीच में मतभेद पैदा करके इस तरह की घटनाएं किया है तो उनके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री सदन से जाने से पहले ही कह दिया था कि नहीं ये कष्टदायक खबर है, इस तरह की खबरें हमारे लिए पीड़ादायक है, हम ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करेंगे, और कठोर कार्रवाई के लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी बना करके काम शुरू कर दिया, लेकिन आप देखिए सदन से चर्चा करने से ये लोग भाग रहे हैं। सवाल यह बात की है, देखिए घटनाएं बहुत जगह हो रही है, ऐसा नहीं घटनाएं खाली वही हो रही है, घटनाएं पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ हर राज्य में हो रहे हैं, लेकिन अगर बंगाल में घटना होती है तो सबको सांप सूंघ लेता है, यही घटना बिहार में हो जाती है तो सब लोग जैसे लगता है कि इनके कान आंख से कोई सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है, राजस्थान छत्तीसगढ़ में होता है तो इन लोगों के सांप सूंघ जाते हैं। आप एक जगह का टारगेट लेकर के राजनीति या राजनीति एक तरीके से ये लोग अपना पट्टा बना रहे हैं इनके पास वो लेकिन सवाल ये भी तो है ना सर, सवाल ये भी तो है कि डबल इंजन की सरकार, जनता को उम्मीद है कि डबल इंजन की सरकार है, हमें सुरक्षा मिलेगी, लेकिन वो सुरक्षा ना तो हमें हरियाणा में देखी और ना मणिपुर में हमने देखी है, दोनों ही राज्य जल रहे हैं, लेकिन सवाल उस पर भी तो नहीं उठ रहा है ना, जवाब नहीं मिल पा रहा है। देखिए वहाँ के राज्य की कानून व्यवस्था और हमारे राज्य उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देखिए, यहाँ लोगों में भय पैदा किया गया, यहाँ जो अपराधी है उनके अंदर डर पैदा किया गया, हमारे यहाँ बुलडोजर नीति चलती है, यही हरियाणा बुलडोजर नीति चले दूर दूर तक अपराधी नजर नहीं आएंगे। हाँ सरकार को गंभीर होना चाहिए, गंभीरता से इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, हमारी हर राज्य की एनडीए की सरकार देखिए हर जगह घटनाएं हो रही हैं, या नहीं विपक्ष की सरकारों में कार्रवाई हो रही है तो उसमें किस तरह कार्रवाई हो रही तो काम हो रहा है, हमारे यहाँ किस तरह काम हो रहा है, हमारे यहाँ तो डायरेक्ट उस पे घटनाओं पर तुरंत संज्ञान लिया जा रहा है, यहाँ तो और विपक्षी सरकारों में संज्ञान भी नहीं लिया जा रहा है, उसको छोड़ दिया जा रहा है, तो वहां तो कोई बोलने को तैयार नहीं, लेकिन हाँ भाई सरकार हमारी काम कर रही है तो वो दिख रहा है, हमारे यहाँ मुकदमा लिखे जा रहे हैं, उनके यहाँ मुकदमा नहीं लिखा जाता, उनके यहाँ डरा करके भगा दिया जाता है, हमारे यहाँ लोगों को प्रेम से बैठा के बात किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, यहाँ पर जगह नहीं है अपराधियों की, लेकिन कानून के संरक्षण में एक अपराधी को गोली मार दी जाती है अति कहमत, उसके बाद फिर कोर्ट परिसर के अंदर मुख्तार अंसारी के जो गुर्गा है, जो करीबी था जीवा, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, यहाँ फिर कानून व्यवस्था कैसी होती है? सर मेरा तो
काम है सवाल करना, तो मैं सवाल करूंगी। देखिए, जब बुलावा आ जाता है किसी का, तो वो किसी के भी जाल में बंधा रहेगा तो उसको ऊपर उठा लिया जाता है। कोई अन्याय किसी के साथ करता है तो उसको न्याय, उसके साथ भी ईश्वर न्याय देता है, वो भी कहीं ना कहीं वो इंसाफ उसके साथ होता है। इन्होंने भी बहुत सारी हत्याएं किया था, बहुत सारे पुलिसकर्मी उनके सुरक्षा बल में थे, मारे गए थे। ठीक है। वो जब मारते हैं तब दर्द नहीं होता है, लेकिन जब वो खुद मारे जाते हैं तो उनके लिए बहुत सारे दर्द हो जाते हैं। ठीक बात है कि अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो दहशत होनी चाहिए, वो हमारी सरकार ने उस तरह किया है। हाँ, पुलिस प्रशासन ने इसका जवाब दिया था कि हाँ, सुरक्षा कर्मी पुलिस के घेरा में अगर ये हुआ है तो उसकी जांच और एसआईटी गठित। तो फिर हम वहां क्यों चुप हो जाते हैं? उन्नाव, हाथरस, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, यहाँ हम क्यों चुप हो जाते हैं? यहाँ हमें जवाब नहीं, हम चुप नहीं होते हैं। नहीं नहीं, हम चुप नहीं होते हैं, वहाँ हम जवाब देते हैं। हमारी सरकार उस पर कठोर कार्रवाई करती है, कठोर कार्रवाई करके हम वहाँ न्याय करते हैं, पीड़ित परिवार के साथ न्याय करते हैं। ऐसा नहीं कहीं भी हुआ हो, क्या मुकदमा हमने नहीं लिखा, क्या हमने गिरफ्तारियां नहीं की, क्या हमने जेल में नहीं भेजा? कार्रवाइयां तो हुई है। विपक्षी क्या करते हैं? विपक्षियों को चाहिए मुद्दा राजनीति करने के लिए, उनके पास क्योंकि मुद्दा है नहीं, तो वो राजनीति करने की जिस दिशा में वो काम करते हैं, इसीलिए देश की जनता उनको पहचान गई है। तो बस वही है कि हर घटनाओं पर हमारा निगाह होता है और घटनाओं पर लोगों के साथ न्याय करने के लिए हम काम करते हैं। हाँ, ऐसी नहीं है, देखिए, इस प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, बड़ा प्रदेश में घटनाएं कहाँ कहाँ हो जा रही हैं, संज्ञान आते ही मामला पर तुरंत कार्रवाई होने लग रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, देखिए, सरेआम गोली मारी गई बिहार में, क्या उस पर कुछ कार्रवाई हुई? लेकिन वहाँ कोई भी विपक्षी जा रहा है वहाँ कि मारे गए लोग वहाँ गोली से मारे गए, पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ, क्या हुआ? कोई गया वहाँ? कोई विपक्षी नहीं गया। ठीक है। लेकिन हमारी सपा कहती है कि भले ही 2022 में हम हारे हो, लेकिन हमारा वोट शेयर बढ़ा है, क्या इसका असर 2024 में भी नजर आएगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, एक तो बड़ा प्रदेश है, 80 लोकसभा सीटें हैं, दम तो दोनों ही तरफ से भरे जा रहे हैं कि हम 80 की 80 सीटें जीत कर रहेंगे, हम यहाँ पर जो कमल का निशान है उसे उखाड़ कर फेंक देंगे। दूसरी तरफ यहाँ बीजेपी कहती है कि नहीं, 80 की 80 लोकसभा सीटें हमारे खाते में आने वाली है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उत्तर प्रदेश को, अगर हम देखें, बहुत कुछ बदला है, बहुत बदलाव है। एक एक बयान का मतलब निकाला जा रहा है और जनता पूरी तरह से समझदार है। देखिए, जनता बहुत समझदार है, जनता के बीच में विकास की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की योजना काम कर रहे हैं और जन कल्याणकारी योजनाओं पर जनता लाभान्वित हो रही है, तो वो समझ रही है। पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश की आप देखिएगा नजारा, कि जब से हम एनडीए के साथ खड़े हैं, एनडीए की ताकत दोगुनी बढ़ी और विपक्षी हताश, निराश और दिशाविहीन हो चुके हैं कि अब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमारे गोल से तो चले गए, अब हमको वोट कौन देगा? अब बताइए, इनको वोट कौन दे रहा है? न इनको अति पिछड़े वोट देंगे, न दलित वोट देंगे, न पसमांदा वोट देंगे, न आदिवासी देंगे, देगा खाली यादव वोट देकर के सरकार बनाएगा। यादव इतना दबंगई कर रहा है, गुंडाई कर रहा है, आधा लोग तो उनके दहशत से कमजोर यादव साथ छोड़ दे रहा है कि भैया हम खुद बदनाम हो रहे हैं, हम इनके साथ नहीं रहेंगे। हम तो देख रहे हैं ना, इनकी गुंडागर्दी छूट नहीं रही है। तो जिनका चेहरा चरित्र नहीं बदल रहा है, तो जनता उनके चेहरे को बदलने के लिए बूथ पे जा करके छड़ी का बटन दबा रही है, फूल का बटन दबा रही है, कह रही है कि नहीं, अब हम इनको चेहरे पर ही बदल देंगे। तो बदलाव तो जनता कर रही है कि इनको मौका नहीं दे रही है। मौका देती तो हमारे साथ रहने के बाद भी देखिए, हमने पूर्वांचल में कितनी ताकत दिया था, उस ताकत को अगर हम हटा देंगे तो हम कहां चले जाएंगे? लोकसभा जीतना छोड़ दीजिए, लोकसभा में लड़ाई में नहीं आएंगे। तो लड़ाई में यहां कोई है नहीं सच मामले में। बता दीजिए, केजरीवाल साहब आकर के बलिया में कैट वोट दिला देंगे, आप ममता बनर्जी जी को बुला दीजिए कि कह दीजिए आकर के आजमगढ़ में 10 वोट दिलाने, नहीं दिला सकती है। फारूक अब्दुल्ला साहब से कह दीजिए कि देवरिया में कुछ वोट दिला देंगे, नहीं दिला पाएंगे। आप कितने भी विपक्षी एकता में जितने नेता है बुला दीजिए कि 500 वोट दिलाने की जितनी क्षमता नहीं है, वो भी उस एजेंडे उस गठबंधन में शामिल है। तो तब वही आकलन है, 11 ऐसी पार्टियां हैं जिनके पास वोट एक जिले में 10 कार्यकर्ता नहीं, 11 ऐसी पार्टियां हैं जिले में 10 कार्यकर्ता नहीं। एक नारा दिया था सारे लड़ाई हो रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि यूसीसी तो लागू होकर रहेगा। इसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा था, जो राजनीतिक पंडित है कयास लगा रहे थे कि 2024 का जो चुनाव है यूसीसी के इर्द गिर्द रहेगा। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ का बयान आया, अब ये माना जा रहा है कि पसमंदा यूसीसी से हटकर ज्ञानवापी जो मुद्दा है, ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है 2024 के लिए। पसमंदा मुसलमानों से हमारे लिए मुद्दा सब है, जनता के विकास का मुद्दा है, हम विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में जा रहे हैं।
सवाल ये नहीं है कि कौन किस मुद्दे पर जनता चाह रही है। देखिए 1 जनवरी को भगवान राम का भव्य मंदिर का उद्घाटन भी हो जाएगा और देश के करोड़ों लोगों की आस्था जिस मंदिर पर है वहां लोगों के जब श्रद्धालुओं भीड़ लगेगी तो वहीं से संदेश साफ हो जाएगा कि 550 साल बाद मौका मिल रहा है कि नहीं हम भी राम लला का दर्शन कर रहे हैं और देश में विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं, हमने काम किया है और उसी काम के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं। अरुण जी, लेकिन ये तो स्ट्रेटेजी हो सकती है ना, एनडीए की स्ट्रेटेजी हो सकती है कि चुनाव 2024 में होने हैं तो पहली जनवरी में ही जो राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा वो आम भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा मंदिर, ये भी तो एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी तो सवाल उठ रहे हैं। नहीं नहीं कोई, ये तो बहुत पहले से, आज से नहीं, जब से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जब से आदेश दिया है कि इसको बनाया जाए उसी दिन से तारीख तय हो गई और तारीख तय करके निर्माण शुरू हो गया तो निर्माण समय बद्ध तरीके से काम हो रहा है तो उस समय पर तो ओपन होगा ही और उसी समय जनता की मांग है, जनता बहुत ललाई थे देखने के लिए। हाँ मुद्दा देखिए बहुत सारे हैं लेकिन हमें जहां तक लग रहा है कि देश में सार्थक जो विकास की एजेंडे हैं वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में है और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही हम विकास के गति को आगे बढ़ा पाएंगे। एनडीए के साथ मिलकर विकास के मुद्दे पर 2024 का पूरा एजेंडा सेट कर चुकी है, ये हम मानते हैं अरुण जी? हाँ बिल्कुल, विकास के ही मुद्दे पर हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार नौकरी जितने भी जनता की आवास पेंशन शौचालय नाली खरंजा बुलबुलिया इनकी समस्याओं के निदान में हमने जो योगदान दिया है जो काम किया है उसी आधार पर जनता हमें वोट देगी और हमें भरोसा है कि इस बार एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत 400 सीटों के अंतराल तक हम पहुंचने कगार पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट जीतेंगे और जीत करके हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जिस लक्ष्य को विपक्षी देखना नहीं चाहते हैं और विपक्षी उससे पूरी तरीके से धराशायी हो जाएंगे। चलिए ठीक है अरुण जी, बहुत शुक्रिया आपका इस हमारी खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और मेरे सवालों का अभी बाकी से जवाब देने के लिए। तो मेरे साथ जुड़े थे अरुण राजभर जी, राष्ट्रीय महासचिव हैं सुभाषपा के, बाकी से उन्होंने जवाब दिए हैं क्या एजेंडा है 2024 को लेकर और किस तरह से वो प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, सारी बातें उन्होंने रखी है। उम्मीद है कि आगे भी इस तरह की बातें हम करते रहेंगे, अगले सप्ताह फिर किसी और मेहमान के साथ लौटेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, नमस्कार, धन्यवाद।